मंगलवार 15 जून को अजमेर जिला प्रमुख दोपहर 12 बजे अपने कक्ष में लेगी समीक्षा बैठक। चिकित्सा शिक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पंचायत राज एवं भू संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला प्रमुख लेगी समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में CEO डॉक्टर गौरव सैनी, SEO मुरारी लाल वर्मा सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि अजमेर जिला प्रमुख सुशील कुमार पलड़ा प्रति मंगलवार को अपने कक्ष में जनसुनवाई करती है। जनसुनवाई में आए हुए विभागीय प्रकरणों की समीक्षा को लेकर कल आयोजित की जाएगी समीक्षा बैठक। इस दौरान जिला प्रमुख सुशील कुमार पलड़ा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट के साथ साथ आने वाले मानसून की पूर्व तैयारी व जिले में वृक्षारोपण सहित स्कूल के खेल मैदान सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करेगी। आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हो रही पिसांगन की ग्राम पंचायत मकरड़ा ने अपने ग्राम पंचायत में लगाए कैमरे। कैमरे लगाए जाने के बाद गांव में असामाजिक तत्वों पर लगी रोक। वहीं चोरी चकारी के डर से भी ग्रामीण हुए भयमुक्त। गांव के सरपंच हनुमान वैष्णव ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कैमरे लगाए जाने के बाद गांव में असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में गठित कोर कमेटी के सदस्य भी कैमरे के माध्यम से पूरे गांव पर रखते हैं नज़र। सरपंच बनने के बाद में हमने सोचा कि जो गांव में जो अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं, चोरी चकारी वगैरह, बाहर के लोगों का आना जाना, तो कैमरे लगाने से हमने क्या है कि ग्राम पंचायत के रूम में हमने ये सब कुछ सेटअप कर रखा है और यहीं से हमने पूरे गांव पे निगाहें रखी बनाए रखी। और कोरोना काल में भी हमने पंचायत ग्राम पंचायत भवन के माध्यम से ही गांव में कोई बाहर से कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, कोई बाहर बिना काम या वहाँ बिना मास्क के घूम तो नहीं रहा है, इन सारी गतिविधियों पे नज़र रखी है। तो कैमरे लगने के बाद में यहाँ की महिला शक्ति बेखौफ होके रहने लगी है और उनको लगा है कि वास्तव में ग्राम पंचायत की तरफ से उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिली। चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा व रोग प्रतिरोधक औषधि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत दुर्गावास में भी औषधि का वितरण किया गया। दुर्गावास के सरपंच हरि सिंह रावत ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर रमाशंकर पंचोरी ने टीम द्वारा गाँव में 59 व्यक्तियों को सर्वे कर उन्हें दवाई दी, साथ ही 264 व्यक्तियों को परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। दुर्गावास सरपंच हरि सिंह रावत ने बताया कि इस दौरान गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के PO सहित गांव के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अरैन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक सुरेश टांक द्वारा घोषित ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास मंगलवार को किया जाएगा। विधायक सुरेश टांक ने बताया कि अरैन क्षेत्र में ऑक्सीजन की संपूर्ण आपूर्ति के लिए 21 लाख की लागत से मंगलवार को साय 4:15 बजे ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होगा।